हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप पाइथन प्रोग्राम को रन करेंगे, किस तरीके से पाइथन प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवाएंगे। पांच तरीके मैं आपको बताऊंगा और इनमें से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जो फॉलो करूंगा वह मैं आपको अभी कुछ देर में बताने वाला। तो पांच वह कौन कौन से तरीके हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला है कमांड लाइन विंडो। ये हमें पाइथन के थ्रू मिल जाता है। जब हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था उसी के समय हमें वह एक पाइथन प्रॉम्प्ट देता है जिसमें आप लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्राम और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसी के साथ पाइथन ही हमें एक एडिटर देता है आइडल के नाम से, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना जो कि नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोगों ने कुछ देर पिछले वीडियो में आई थिंक पाईचार में इंस्टॉल किया था, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा मोस्ट फेवरेट विजुअल स्टूडियो कोड, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सभी को कैसे सेटअप करना है, कैसे उसमें कोड लिखना है, कैसे वो रन होगा, सारी चीज़ मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। सो मेरे ख्याल से मैं या तो पाईचार में यूज़ करूँगा या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ। दोनों में से एक मैं यूज़ करूँगा इस पूरे सीरीज़ के लिए। लेकिन उसी सेम कोड को आप इनमें से किसी में भी लिख कर रन कर सकते हैं, बस रन करने का तरीका सभी में अलग अलग है, जो कि मैं आपको सेपरेटली एक एक करके बता देता हूँ। उसके बाद आपके स्कूल या कॉलेज में जिस भी चीज़ को लेकर रन करने को बताया जाए उसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। लाइक स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि नोटपैड में पढ़ने को मिलता है, तो आपको यहाँ नोटपैड में आपको जानकारी मिल जाएगी कि नोटपैड में कैसे कोड लिखते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, तो आप उसको आसानी से फॉलो कर पाएंगे। ओके, सो पहला वाला देख लेते हैं, कमांड लाइन विंडो। हमने पाइथन इंस्टॉल किया था तब हमारे पास ये ऑप्शन चला आता है। यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन 3.764 बिट। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ये कमांड लाइन आपको ओपन करके देगा, ये वाला, ये थ्री एंगल जो आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट में कोड लिख रहा हूँ, कोड में आपको अभी ध्यान नहीं देना है अगर आपको पाइथन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो। सिर्फ कैसे कोड लिख रहा हूँ और कोड कैसे रन होता है ये आपको पकड़ना है बस। कोड में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ये हमारा पाइथन का कोड है। जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपको ये एग्जीक्यूट होकर नीचे इसका आउटपुट दिखाई देगा, ये वाला हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो एक ये तरीका है। अगर आप जैसे कि एक वेरिएबल वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ए इक्वल हम लोग इसमें असाइन कर देते हैं 10, एक और वेरिएबल बनाते हैं बी इक्वल 20, सी एक वेरिएबल जिसमें ए प्लस बी कर देंगे और प्रिंट कर लेते हैं सी को, तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा कितना 30। ओके, बेसिक सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये। ए का वैल्यू हमने असाइन किया 10, बी का हमने वैल्यू असाइन किया 20 और सी में हम लोगों ने असाइन कर दिया ए प्लस बी जो भी आएगा और सी में असाइन किया, देन फाइनली हम लोगों ने सी को प्रिंट कर लिया तो हमें 30 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो एक ये कमांड लाइन है जिसके थ्रू आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी सा है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कष्ट होगा, इसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ें, तो ये कुछ इसमें लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। सो एग्जिट करना हो तो आप एग्जिट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लाइक एग्जिट और पैरेंथेसिस और इंटरप्रेस कीजिए। ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये हमारा था क्या, कमांड लाइन विंडो में किस तरीके से पाइथन का प्रोग्राम आप लिखेंगे और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आइडल जो ग्राफिक विंडो है पाइथन का दिया हुआ, उसका कैसे आप यूज़ करके कोड लिख सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।